Today we will start chapter 9, matrices. From Salina Kansai for class 10th for ICSE. Here, matrices. Matrix का प्लूरल है. Matrix. हाँ जी, नैन्सी. Yes, sir. Matrix का प्लूरल matrices. अब matrix होता क्या है? एक rectangular arrangement है. Rectangular arrangement. किसमें? Row and column. Row एंड कॉलम में. रो क्या होती है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. हॉरिजॉन्टल मतलब जो लेटी होती है. कॉलम क्या होता है? वर्टिकल लाइन होती है, जो खड़ी होती है. हियर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ऐसे ले लिया. इसमें ये लाइन लेटी हुई है, ये लाइन लेटी हुई है. कितनी रो है इसमें? टू. कॉलम खड़ी लाइन एक, दो, तीन. थ्री. तो यहां पे मैंने लिखा है, इसके पैरों में लिख दिया 2×3. तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हियर, इस जो एग्जांपल लिया मैंने, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 2×3 है. अब अगर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे तो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं अर्नव? नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल होंगे तो उसको कौन सा बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. 2×2 मतलब दो रो दो कॉलम होते. थ्री रो थ्री कॉलम होते. फोर रो फोर कॉलम होते. तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. ये चीज समझ आई बच्चे कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? Yes. बोलो. Yes, sir. अब इसके अंदर बेटा ये जो मैंने 1, 4, -2 ये लिखे हैं, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स. इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं. दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स. अब इसके अंदर बेटा टाइप्स आ जाती है हमारे पास. सबसे पहली टाइप रो मैट्रिक्स. कौन सी आती है? रो मैट्रिक्स. देखो नेम शो कर रहा है रो. ओनली वन रो हो That is called row matrix. For example, 5, 2, 4, 3. इसमें रो एक है, कॉलम चार है. रो कितनी है इसमें? ओनली वन रो इज देयर. तो इसमें इस वाले मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम? रो मैट्रिक्स. सेकेंड आ जाता है कॉलम. देखो नेम से शो हो रहा है कॉलम, जिसमें एक कॉलम हो. ओनली वन कॉलम, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. जैसे 5, 6, 7. या रो कितनी है आदित्य? सर 1, 1, 2, 3. 3 रो है बेटा आदित्य. कॉलम एक है. देखो ये खड़ी लाइन एक है, कॉलम एक है. तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स तो मैंने आपको बता ही दिया. मैं फिर से लिख देता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ
columns, that is called square matrix. 5 2 3 2, ये square है. 1 5 6 3 2 5 1 0 4, ये square है, क्योंकि देखो इसमें रो भी कितनी है, 2 है, कॉलम भी कितनी है, 2 है. यहाँ पे रो कितनी है, 3 है, कॉलम भी कितनी है, 3 है. ऐसी 4 रो हो, 4 कॉलम हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर. मतलब जब भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, एट दैट टाइम मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. इसके बाद आ जाते हैं बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. देखो स्क्वायर का मीनिंग था ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स का मतलब रो एंड कॉलम आर इक्वल, रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेथ आर डिफरेंट. तो इससे अपने आप ही शो हो रहा है कि रेक्टेंगुलर कौन सा होता है, इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. इसके बाद आता है जीरो और नल मैट्रिक्स. इसके बाद क्या आ जाता है, जीरो और नल मैट्रिक्स. जीरो और नल का मतलब, जीरो का मीनिंग शो है ना कि जिसका एलिमेंट जीरो हो, इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स. इसके बाद आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स. All elements are zero except leading diagonal. Leading diagonal को छोड़ के. और ये leading diagonal क्या word आ गया? Leading diagonal होता है ऐसे 5 0 0, जैसे मैं 3 into 3 वाला ले रहा हूं, और ये square matrix में होगा always. जो diagonal matrix होगा वो ऑलवेज इन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर वो स्क्वायर नहीं है तो वहां पे नहीं होगा. जीरो, यहाँ पे मैंने 0 1 0 0 0 3 ले लिया. ये वाला डायगोनल लीडिंग डायगोनल है, लेफ्ट अपर टू राइट डाउन की तरफ. ये एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट देखो जीरो है ना, दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. समझ आ गया बेटा? Yes, sir. इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एक ही चीज के दो नाम. 7 टाइप क्या है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सर. हाँ जी बेटा. सर डायगोनल मैट्रिक्स एक बार फिर से समझाना. रोके दिखा पहले. नो सर. देखो क्या लिखा है बच्चे मैंने, ऑल एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़ के, लीडिंग डायगोनल. यहाँ पे मैंने लाइन मारी है ना जो सिमरन. यस सर. इसको छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हूं, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है. या तो 3 into 3 ऑर्डर होगा, या 2 into 2 होगा, या 4 into 4 होगा. जैसे मैं 2 into 2 वाला ले लेता हूँ, ये ले लिया बेटा मैंने लीडिंग डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो. अब मैं इसका 4 by 4 का एग्जांपल ले लूं तो ये ले लिया. देखो 4 by 4 का हो गया, ये 4 रो है, 4 कॉलम है, और ये लीडिंग डायगोनल 5 1 3 3 है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो. समझ गए बच्चे? यस सर. दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. इसके बाद आ गया यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किसमें होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा. स्क्वायर मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स आर इक्वल. इसमें भी वैसे ही है कि जो यूनिट लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल डायगोनल्स
ऑल एलिमेंट आर वन एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो। कैसे बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स में टू इंटू टू वाला लेता हूं मैं, ये वाला। लीडिंग डायगोनल वन होना चाहिए, वन वन जितने भी एलिमेंट है और बाकी सारे जीरो। अब मैं थ्री बाई इंटू थ्री का ले लेता हूं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो। समझ गए बच्चे? कहने का मतलब ये है, डायगोनल मैट्रिक्स इन विच लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर वन आर कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाते हैं बच्चे ट्रांसपोज। इसके बाद क्या आते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब उल्टा। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊंगा इसको, ये है बेटा ट्रांसपोज को। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है ना, उसका ट्रांसपोज क्या होगा? ए के ऊपर टी डाल दे। ए ट्रांसपोज, ये ए मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज क्या होगा? जो ये रो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। थ्री फोर था ऊपर नीचे, वन टू था ऊपर नीचे, तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया बेटा हमारे पास। मतलब सर जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल बन जाए। हाँ जी, डायगोनल चेंज इनटू, सॉरी डायगोनल क्या गया, रो चेंज टू कॉलम। सर कॉलम भी ऐसे रो में चेंज हो सकता है और वाइस वर्सा, कॉलम भी तो चेंज हुआ ही है सर। थ्री थ्री वन रो नहीं बन गई कॉलम, ऑटोमेटिकली हो गया सर। हाँ जी रूहानियत। सर अगर हम 4/3 लिख दें तो गलत होगा क्या? हाँ जी बेटा, फिर गलत होगा। चलो रूहानियत मुझे एक एग्जांपल दीजिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक। ये एक ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करो बेटा, क्या आएगा? पहली रो में क्या लिखूं सर? वर्टिकल ये कॉलम 101, ये वाला कॉलम यहाँ आ जाएगा, ये वाला कॉलम यहाँ पे, टू पहले नंबर पे तो पहले पे, 4-1 और तीसरा कॉलम तीसरे पे बेटा। समझ आ गया? यस सर। उसी ऑर्डर में, ऊपर ये है तो पहले नंबर पे ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। समझ आया बच्चे सबको? Yes, sir. पक्का? Yes. Now, equality of a matrix. दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब उसके सारे एलिमेंट और पोजीशन सेम होगी तो वो इक्वल होंगे। समझे? मान लो ए मैट्रिक्स मैंने ले लिया 1-2-4-5, अगर बी मैट्रिक्स भी 1-2-4-5 होगा तभी वो इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। उसी पोजीशन पे, पहली पे पहला, टू पे टू, थर्ड यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट, 4-5 पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। अब आ जाते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ किसका? मैट्रिसेस का। सबसे पहले कंडीशन इसमें याद रखनी है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है अगर ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मैट्रिसेस आर इक्वल। मान लो पहला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2-3 है, दूसरे का भी अगर 2-3 होगा तभी वो ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं हो सकते। जैसे 1-2-4-5 ले लिया, या -1-3-0-0 ले लिया, अगर इन दोनों को ऐड करना है, इस पोजीशन पे 1 है, इस पोजीशन पे -1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे 1-1 हो जाएगा, 2
प्लस थ्री होगा, फोर प्लस जीरो होगा, फाइव प्लस जीरो होगा, जीरो फाइव फोर फाइव, ये हमारा आंसर आ गया। समझे बच्चे? मैं नहीं समझाऊंगा अभी का, रोके दिखा पहले। कोई बात नहीं, आगे बच्चे ये सारे समय आएंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है अभी का? सॉरी टू इंटू टू, वो तो वैसे एग्जांपल ले रहा था मैं, लिख मैंने कुछ और दिया। ओके सर। हाँ यहाँ टू इंटू टू ऑर्डर ही है बेटा। अब इसके अंदर बच्चे कैसे भी अभी नहीं नहीं वो ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए ना, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। सपोज अब मैं ले लेता हूँ बच्चे टू इंटू थ्री ऑर्डर ले लेता हूँ, ले लूं? वन टू थ्री जीरो वन टू, ये ए मैट्रिक्स ले लिया, इसका ऑर्डर क्या है? टू रो है थ्री कॉलम है, तो टू इंटू थ्री ऑर्डर हुआ ना। अगर मैं सपोज बी ले लूं वन टू फोर फाइव, इसका ऑर्डर है टू इंटू टू, क्या इन दोनों की एडिशन पॉसिबल है? नो सर, नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑर्डर इज नॉट सेम, ये रीजन लिख देंगे। हाँ अगर बी में एलिमेंट ले लूं बेटा माइनस वन जीरो वन टू वन थ्री, इसका ऑर्डर भी टू इंटू थ्री है, इसका ऑर्डर तब ये पॉसिबल है ए प्लस बी। कैसे? ये फर्स्ट पोजिशन इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो ये माइनस का था इसलिए माइनस लगा दिया बेटा यहाँ पे, टू प्लस जीरो, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट वन, यहाँ थ्री यहाँ वन, इन दोनों को ऐड करेंगे मतलब उसी पोजिशन पे जो है वही ऐड होगा उसमें। ठीक है अभी का? सर स्टार्टिंग में वन ही रहेगा सर। अब ठीक है? ठीक है अब विशु जी? यस सर। ओके ओके हो गया, मतलब नॉट पॉसिबल ये नहीं है, कुछ भी आ सकता है, रूट में भी आ सकता है, साइन कॉस में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, एनी रियल नंबर। ये नहीं है कि मैंने वो तो वैसे ही मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं तो स्टार्टिंग में वन निकल जाता है। अंडरस्टूड? यस सर। वैसे एक चीज मानने वाली है तेरी इशू, रट्टा बहुत तगड़ा लगाता है ना तू। क्यों सर? और तूने ये देखा कि सब में वन वन लिखा है सर ने, यहाँ भी वन लिखा है, यहाँ भी वन लिखा है, यहाँ भी, तो ये देख ली तूने चीज कि वन ही होगा है ना पहला एलिमेंट? नहीं नहीं समझ बच्चे इसको। ओके सर। वो तो वैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर जीरो किसी में ऐड करें तो आंसर वी गेट सेम है ना, वो चीज इसके अंदर भी फॉलो होगी। देखो ये एक रो ये जीरो जीरो ले लिया, अगर ऐड करेंगे तो वही सेम आएगा। ठीक है एडिटिव इनवर्स अपोजिट साइन, एडिटिव इनवर्स का मतलब अपोजिट। मान लो एडिटिव इनवर्स इसका मीनिंग क्या है, मान लो कोई मैट्रिक्स ए वन टू फिर वन आ गया या फोर लिख देता हूँ, फिर कहेगा रिशु कि ये कैसे हो गया। अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो क्या आएगा, ऐसे लिख के एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए, माइनस का मतलब सारे एलिमेंट के साथ साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। समझ गए बच्चे? ये है एडिटिव इनवर्स इसका, आया समझ? यस सर। यस सर। अब कई बार क्या है कि सॉल्व करना होता है, जैसे मान लो दिस प्लस
कोई एक्स मैट्रिक्स था, हमें दिया है 4 5 0 2 2 0। एक्स फाइंड करना हो तो क्या होगा, ये उस साइड जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते थे वैसे सॉल्व करना है। इसके आगे कोई साइन नहीं था, प्लस है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ गए बच्चे? 4 -1 5 -2 2 -3 0 -4। समझे सर? हाँ सर, जो एक्स के बगल में मैट्रिसेस था उसको हम लोग दूसरे साइड में ले जाएंगे तो साइन चेंज नहीं होगा? हो तो गए सारे साइन चेंज, ना माइनस नहीं आ गया आगे? ओ सर ठीक है ना, तो भी तो माइनस किया, 4 -1 5 -2 2 -3 0 -4 वही लिखा। यस सर, ये हो बेटा। इस टाइप से सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल रीच ऑन, अभी यहां तक जो मैंने समझाया बच्चे आई थिंक सो, मेरे को नहीं लगता किसी को समझ नहीं आया होगा। आगे बेटा? यस सर, आगे। यस सर, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9A। फर्स्ट सम जो है वो है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट सम क्या है? ट्रू फॉल्स है। तो आदित्य, यस सर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ए फॉल्स गिव रीजन, अगर फॉल्स होती है तो उसका रीजन बताना है क्यों फॉल्स है। A, B are two matrices of order 3 × 2 and 2 × 3. 3 × 2 and 2 × 3. Yes, sir. Then their sum A plus B is possible? No, sir. False. False. क्यों? सर क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, मतलब सर ऑर्डर मतलब सेम होना चाहिए सर, तो ऑर्डर जो होता है वो सेम। वहां पे रीजन पूछा है, वहां पे क्या लिख के आओगे मुझे ये बता दो बस। सर रीजन लिख के आएंगे कि द नंबर द पेयर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर शुड बी इक्वल टू द पेयर ऑफ ए। यहां से वही मतलब सब बना देंगे अंग्रेजी। पेयर तो गलत है यार, पेयर तो बिल्कुल गलत है। Sir, order should be equal for the addition and subtraction. हाँ. Sir, ऐसे true or false exam में आ भी सकता है। आ सकता है बेटा, कुछ भी possible है। Book में दिया है तो everything is possible. False और इसका reason लिखेंगे because in addition order should remains the same but here order is not equal. बस समझ गए बच्चे? पेयर पूरी नहीं, कुछ बांटना भी डालना बीच में। अहाना, अहाना मम्मी ने खाना नहीं दिया? खाना दिया। थोड़ा ऊंची बोलो। यस सर, ये ऊंची है इसका। हाँ जी, यहाँ पे देखो अहाना, Yes, A का ऑर्डर है 2 × 3, B का ऑर्डर है 2 × 3। आर कंफर्टेबल फॉर सब्ट्रैक्शन? यस सर, ट्रू। ट्रू क्योंकि ऑर्डर सेम है। अब यहाँ पे थर्ड, अर्नव, यस सर, ट्रांसपोज ऑफ अ 2 × 1 मैट्रिक्स इज अ 2 × 1 मैट्रिक्स? यस सर। फॉल्स, क्योंकि जब ट्रांसपोज करती है बेटा कॉलम रो कॉलम में चेंज हो जाती है, कॉलम रो में चेंज हो जाता है बच्चे। अच्छा, यस सर। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि कॉलम को रो में चेंज करना है और रो को कॉलम में, तो ऑर्डर भी तो चेंज होगा ना अगर 2 × 1 ऑर्डर है। हाँ जी सर, एक बार 2 × 1 को रो और कॉलम में बना के दिखाइए ना। लो जी, जो आपकी इच्छा। 2 × 1 ऑर्डर है, 2 रो,
वन कॉलम ये बन गया ठीक है सर इसमें सर रो तो हॉरिजॉन्टल होते हैं ना एक रो दो रो यस सर ओके सर ये पहली रो हो गई ये दूसरी रो हो गई बेटा और सर इसमें कॉलम कहाँ है फिर ये पूरा कॉलम है अच्छा यस सर 21 ऑर्डर हुआ अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं बेटा 3-1 ऐसे हो जाएगा ना मतलब ऑर्डर क्या हुआ वन रो हो गई टू कॉलम हो गई जब भी ट्रांसपोज निकालना है तो ऑर्डर रो कॉलम बन जाएगा कॉलम रो बन जाएगी ये हुआ ना फॉल्स बिकॉज व्हेन वी फाइंड अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स देन ऑर्डर बिकम इनवर्स रिवर्स या ऐसे लिख देना नंबर ऑफ रो बिकम कॉलम्स एंड कॉलम्स बिकम रोज इसके बाद अविका यस सर ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सर ट्रू यस 2x2 है 2x2 3x3 तो 3x3 होगा क्योंकि कॉलम रो कॉलम में चेंज होंगे कॉलम रो में चेंज होगी तो सेम रहेगा ना अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो भी वही आएगा 2x2 है तो भी वही आएगा 4x4 है तो भी वही आएगा आएगा ना यस सर दिस इज ट्रू नेक्स्ट वन आयुष कुमार सिंह सर आपने क्यों नहीं लिखा ओ मैंने बोल तो दिया पेंसिल मेरे को ना ट्रू नेक्स्ट वन अ कॉलम मैट्रिक्स हैज मेनी कॉलम एंड ओनली वन रो ट्रू कॉलम मैट्रिक्स में ओनली मेनी कॉलम मेनी कॉलम्स नो सर फॉल्स फॉल्स ओनली वन कॉलम रो जितनी मर्जी हो सकती हैं बिकॉज इसका फॉल्स है तो इसका रीजन लिखना पड़ेगा ना बिकॉज यस सर इन कॉलम मैट्रिक्स ओनली देयर इज ओनली वन वन कॉलम and many rows are there bas now second sum divine yes sir given hai hame question dekho kya hai ye raha x y plus 2 3 z minus 1 is equal to this find x y z मैं x यहाँ पे y प्लस टू है यहाँ 3 है यहाँ पे z माइनस 1 है किसके इक्वल है 3-1 3-2 ये दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या करें डिवाइन सर x को 3 के इक्वल करेंगे यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे यहाँ एक लाइन लिखेंगे कंपेयरिंग Both sides. देखो फर्स्ट पोजिशन फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट थ्री है यहाँ x है x किसके इक्वल आ जाएगा सेकेंड सेकेंड y प्लस टू इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 1-2 -1 फिर बेटा z माइनस वन किसके इक्वल टू And z is equal to 2+1 3 That is 3. हो गया. X भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया. कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे जिसको ना समझ आया हो बेटा ये आ गया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Now next sum. Kapirat. सर हाँ जी सर मैं कह रहा था 3 कैसे आया ये समझा दीजिए एक बार किसने पूछा है वो सर आदित्य ने पूछा है सर x 3 कैसे आ गया आदित्य
तेरे को मैं क्लास से बाहर निकाल दूं? सर समझ नहीं आया एक्स वाला। जब मैं तेरे को समझाता होता हूँ उस टाइम तू सो जाता है? नहीं सर, बाकी सब देख रहा था ना तो उस पे थोड़ा नहीं, ये समझ आ गया ये कैसे सर? आया सर इधर मतलब गधे मेरे से गालियां सुनता है, ये क्या है सर? एक्स फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट रो का? यस सर। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? थ्री हो गया। अच्छा बाई प्लस टू को वन के इक्वल कर दिया तूने, ये तो तेरे को पता है, ये नहीं देख रहा तू? यस सर। ये देख रहा है, ये भी पता है, पर तेरे को ये नहीं पता लग रहा है ना कि ये क्यों आया इक्वल? यस सर। तू मेरे सामने होता ना मैं डंडा उठा लेना था और पीटते रहना था। नो सर। सही कह रहा हूँ मैं तेरे को? नाउ कपिरत माइक ऑन कीजिए बेटा अपना। यस सर। हाँ जी, आपको हिंदी आता है ना? हाँ सर। ओके, घबराना नहीं है? हाँ सर। यहाँ पे बेटा फर्स्ट पार्ट माइनस फोर ए प्लस फाइव थ्री टू, और इस साइड गिवन है b प्लस फोर टू थ्री एंड c माइनस वन। यस टेल मी बच्चे, बीच में इक्वल साइन है? हाँ सर। तो बर्तन क्यों तोड़ रहा है? हाँ जी, माइनस फोर किसके इक्वल होगा कबीरत? b प्लस फोर। पहले तो अपने नाम की प्रोनाउंसिएशन बता, कपिरत ही है? हाँ कपिरत ही सर। कपिरत ही है, ओके। ए प्लस फाइव इक्वल टू इज इक्वल टू टू, थ्री के प्लेस पे थ्री है, इसको इक्वल करने का जरूरत नहीं है। टू किसके इक्वल? सी माइनस वन। यस बिल्कुल सही। अब यहां से बी किसके इक्वल आएगा? माइनस फोर। हाँ माइनस फोर। वेरी गुड, फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट? माइनस एट इज इक्वल टू बी। बी यहां से बच्चे ए इज इक्वल टू सेवन फाइव थ्री। शॉर्टकट नहीं मारना कपिरत। टू माइनस फाइव राइट, टू माइनस फाइव। Then what is 2 minus 5? 3. Not 3. Minus 3. कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट डे है इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, डरने का जरूरत नहीं है बेटा। ओके सी इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज 3 टू सी हो गया, तीनों आंसर आ गया। A माइनस थ्री आ गया, B माइनस एट आ गया, C थ्री आ गया। ऑल दीज थ्री आर द आंसर्स। सबको समझ आया बेटा? यस सर। नाउ यस सर लिखना यस सर सेकंड पार्ट। A A माइनस B B प्लस C जीरो, थ्री माइनस वन टू जीरो। हाँ जी बेटा। सर ए इज इक्वल टू थ्री। यस। ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन। यस। बी प्लस सी इज इक्वल टू टू। यस। ए का वैल्यू आ गया? यस सर। बी की कैसे आएगी? सर माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन माइनस थ्री। पहले यहाँ पे फिल कर। yes. पहले ए के प्लेस ए की वैल्यू आ चुकी है ना हमारे पास। फिल द वैल्यू ऑफ ए एट हियर, थ्री माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस बी बिकम इक्वल टू माइनस वन माइनस थ्री। या एंड माइनस बी बिकम इक्वल टू माइनस फोर। माइनस माइनस कैंसिल, व्हाट वी गेट बी इज फोर।
This is our second answer. Now, fill the value of B at here. What we get? 4 plus C is equal to 2. Yes. C is equal to 2 minus 4. Yes. C is equal to minus 2. Ho gaya. Tino answer aa gaya. Any doubt, bachche, kisi ko? No one? No, sir. Yes, sir, pakka. Lock kar de? Yes, sir, kar de. Kar de. Yes, sir. Smile de diya karo thodi bohut to. Bohut nikammi ho. Aise to padhne ka maja bhi nahi aata. Sir, ye chapter hard nahi hai waise. Ye easy. Yes, sir, matrix is easy, sir. Aur pata hai, आपको सर मैंने क्लास टेंथ का बोर्ड एग्जाम का पेपर देखा ना सर, अभी फिलहाल वाला जो था 2023 का सर, वो बहुत इजी था सर. मुझे लगा अगर मैं बैठती तो मेरे तो मार्क्स आ जाते अच्छे खासे सर. तेरे आएंगे नैंसी, 100% आएंगे तेरे मार्क्स. यस सर. सर अब लगते कि आ जाएंगे मैथ में सर. आपको पता है आज मेरे क्लास में ऐसे टीचर का मतलब टीचर बोर्ड के एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करने गए हुए थे तो किसी दूसरे टीचर का सब्स्टिट्यूट लगा हुआ था, तो वो सर आके अपना ही हिस्ट्री पढ़ाने लगे. सर मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया. मैंने पता है अपने फ्रेंड से सर बोल दिया कि इससे बढ़िया तो मैथ्स है, तो सर उसको पहली बार मैंने उसको ऐसे बोला तो वो हंसने लगे कि तुमको अच्छा आप जाकर के मैथ्स रियलाइज हुआ कि मैथ्स इजी है. हाँ चलो कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आए. ये लगता है बट अगर एक बार समझ जाओ तो बहुत इजी लगता है. कुछ नहीं है बेटा, मैथ तो बहुत, देखो एक चीज लाइफ में हमेशा याद रखना, अगर आपको मैथ आता है ना तो आप कभी भूखे नहीं मरोगे, कुछ ना कुछ कर ही लोगे. यस सर. कोई कंपटीशन है कहीं पे भी जाना है तो आप में मैथ मैथ मैथ, गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो मैथ, ठीक है, बाहर किसी और कंट्री में जाना है वहां भी स्टडी मैथ के बेस पे है. बाकी सब्जेक्ट्स को रट्टा बच जाता है, मैथ को रट्टा नहीं बचता. दैट्स द रीजन कि जिसको मैथ आता है, तुम्हारे सामने मैं एग्जांपल बैठा हूं, समझे कि चलो पहले मेरा ऑफलाइन था, कोरोना के कारण ऑफलाइन बंद करना पड़ा, बट ऑनलाइन देखो कहाँ कहाँ से बच्चे बैठे हो तुम. ऑल ओवर इंडिया कवर कर रहे हो ना, कोई झारखंड से, कोई महाराष्ट्र, कोई तमिलनाडु से, हो ना? Yes, sir. तो मेरे को भी इसमें मजा आता है कि हाँ नहीं वाकई बच्चे समझना चाहिए. हाँ जी, फर्स्ट पार्ट लिखना के बाद मीमांसा. Yes, sir. हमें ए दिया हुआ है बेटा, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है. उन्होंने दो पार्ट बोले हैं, एक तो ए प्लस बी बोला है फाइंड करने के लिए और दूसरा बोला है बी माइनस ए. तो सबसे पहले ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स प्लस फोर. नहीं बेटा ऐसे नहीं, शॉर्टकट तो इसमें मिस्टेक के चांसेस होते हैं पता है, अगर आप शॉर्टकट मारो. ओके सर. ए प्लस बी, ए के प्लेस पे ए की वैल्यू लिखी, ये मैट्रिक्स लिखा, प्लस साइन है, प्लस साइन बीच में डाला, फिर बी के प्लेस पे बी का. अब इसके बाद करना है बेटा. यस सर. 8 प्लस 4 माइनस 3 माइनस 5. थोड़ा स्पेस छोड़ के. यस सर. क्या आएगा? 12 एंड माइनस 8. कि हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया. सेकंड बोला है बेटा बी माइनस ए. बी वाला मैट्रिक्स पहले लिखेंगे. Yes, 4 माइनस 5. ए ना, फिर वही बात कर दी ना बच्चे. नहीं मीमांसा पहले लिखना है. ओके सर. हाँ क्या लिखूं? 4 माइनस 8 माइनस 5 प्लस 3. माइनस 5 माइनस इनटू माइनस प्लस 3. यहाँ से क्या आ गया? माइनस 4 एंड 2. भूख लगी है? माइनस टू. माइनस टू सर. मेरे को लग रहा है भूख लग रही है तेरे को. नो सर. नहीं मानसा तू कहाँ से थी मैं भूल गया सर. उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश तो छोटा सा है ना? नहीं सर, बरेली से. बरेली से
बरेली से मेरे पास एट्थ क्लास की लड़की भी है, एट्थ में नहीं सॉरी नाइन्थ सीबीएसई की है, कर्नल है उसके फादर। फिफ्थ सम बेटा, नैंसी यस 25 बी 14 सी 6-2 ये बेटा पहला पार्ट है बी प्लस सी क्या लिखूं सर 1 और 4 एक ब्रैकेट में प्लस का साइन लगा करके दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 6-, और नीचे सर 6 के नीचे -2 सर 1+6 7 हो जाएगा ऐसे सीधा नहीं ना और सर 4-2 हो जाएगा 2 हो गया। अब इसका बच्चे मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूं बाकी नहीं कर रहा a माइनस बी प्लस सी निश्चय यस सर a के प्लेस पे 2-5 माइनस साइन एज लाइक 1-4 यस प्लस 6-2 अब क्या लिखूं बेटा मैं सर सर हाँ जी ओम सर अपन इस पर डायरेक्ट 7 और 2 रखते ना सर ये जो अभी वैल्यू आई थी बी प्लस सी की माइनस का साइन लगा के ओम भूख लगी है सर भूख लगी है मुझे ये बता पहले तो नो सर बच्चे ये चीज है ये थी ना अब जो फाइंड करना हमने बी किसका है बी के आगे क्या साइन है उसका माइनस और आपके अकॉर्डिंगली ऐसे बन जाएगा यस सर समझ गए यस सर हाँ यहाँ प्लस होता बेटा तो कर देते पर तब भी मत लिखना क्योंकि ना मैट्रिक्स के अंदर सारी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होती सर ऐसे करना पहले a माइनस बी सॉल्व कर लो उसमें c ऐड कर दे टाइम बहुत है ना तेरे पास फ्री रहता है तू सारा दिन है ना अर्नव नहीं सर वो पूछ रहा था इतना टाइम मिलेगा बाकियों को 3 आर मिले सुन तो ले बाकियों को 3 आर मिलेंगे तेरे को 4 आर मिलेंगे ना पेपर में नहीं सर सबको 2.5 मिलेंगे बस फिर ऐसे ही करना है सारी वैल्यूज फिल करो इकट्ठा कैलकुलेट करो 2-1 हाँ बोलो बच्चे निश्चय सर पहले हम लोग यहाँ बॉर्ड मास नहीं अप्लाई कर सकते माइनस नहीं ना ना तीनों इकट्ठे करेंगे 2-1+6 नीचे सर 5+4 नहीं सर -4+2 -2 सर -4 मैं आऊंगा ना पेपर में ऐसे बता हाथ पकड़ के जरा ऐसे कर दूंगा नहीं ये देख अच्छी तरह से है ना निश्चय नहीं सिक्स प्लस टू एट एट में से 1-1 किए 7 5-6-1 ऐसे करना है बच्चे अर्नव ओके सर नाउ सिक्स फर्स्ट पार्ट 1, 2, 3, 4 बीच में प्लस साइन -1, -2, 1-7 ये क्या लिखा है इन्होंने वेयर एवर पॉसिबल राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स हाँ जी ओम क्या आएगा क्या लिखूं ओम जी जिंदा हो
1 यहाँ पे सर 2 - 2 यहाँ पे सर 3 + 1 और यहाँ पे सर 4 - 7 हाँ 1 - 1 सर 0 2 - 2 0 3 + 1 4 4 - 7 -3 हो गया। ऐसे बच्चे सेकंड वाला पार्ट भी हो जाएगा, थर्ड वाला नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर नॉट इक्वल, ठीक है, ऑर्डर इज नॉट सेम। मैंने पहले बताया था ना, हम लोग आंसर में सिर्फ ये लिख देंगे नॉट पॉसिबल। हाँ जी ओके सर, यहाँ पे भी तो ये लिखा है ना वेयर एवर पॉसिबल। यस सर। सर हाँ सर, फिफ्थ का फोर्थ वाला एक बार फिर से दिखा देंगे, क्यों चीटिंग मारनी है? नो सर, कुछ भी नहीं बेटा, 2 - 1 + 6 5 - 4 - 2 और ये एडिशन सबट्रैक्शन तो आती है ना करनी की नहीं आती? सर आती है। बस फिर हो गया। नाउ सेवन सम, जल्दी तो नहीं है किसी को, 5-7 मिनट और लग जाए तो सर आप 1 घंटा और लगा ले। हाँ 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 मुझे पता ही है तुम्हारा। सुबह सर उठ ना पाए उनका सर का ग्रुप वो हो जाए है ना। नो सर मैं सुबह ना रख दूं तुम्हारा टाइम सबका 6 बजे। सर आप लगाओ मैं रेडी। 5 बजे लगा लेते हैं फिर, आप 4 बजे लगा। 4 बजे लगा दो सर, 4 बजे चलो वापस आ जाओ यहाँ पे। 3 बजे भी लगा सकते हैं। नहीं बस 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 बस, रहित कुमार रॉय जी कहाँ छुप के बैठे हो? यस सर। बताइए सर, 5 - 1 यहाँ पे 2 - x + 1 वेरी गुड -1 - 2 y - 1 + 3 तेरे को तो मैथ आने लग गया होए रॉय साहब। हाँ जी बिल्कुल सही बताया, क्योंकि देखो माइनस है 5 - 1 यहाँ पे 2 - दोनों के साथ लगेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे ना, 2 - x + 1 हो गया। ऐसे ही नीचे -1 - 2 y - 1 - 3 यहाँ पे क्या आ गया 4 यहाँ पे क्या आ गया 3 - x आ गया नीचे -3 बोल दे रहा रहे। यस सर। यहाँ पे सर y - 2 आएगा। ओ नजर लग गई है ना तेरे को, तारीफ कर दी तेरी है ना। हाँ 4 के प्लेस में 4 है, इसको नहीं करना। 3 - x किसके इक्वल होगा? 7 एंड y + 2 किसके इक्वल होगा? 2 बताइए क्या लिखूं सर, -x 7 - 3 - x = 4 x = -4 वेरी गुड बिल्कुल सही है। यहाँ से सर y = 2 - 2 = 0 यस ये हमारे आंसर आ गए। नाउ 8th सम, रहित के बाद
रिशु सर एम मैट्रिक्स दिया हुआ है फाइंड द ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स एम टी इफ पॉसिबल फाइंड दिस वन यस सर एम सबसे पहले एम मैट्रिक्स 5 - 3 - 2 - 4 एम का ट्रांसपोर्ट फाइंड ट्रांसपोर्ट फाइंड करने बेटा क्या आएगा 5 नीचे -3 -2 - 4 बिल्कुल सही है नाउ वी हैव टू फाइंड एम प्लस एम टी एम इज दिस वन 5 - 3 - 2 - 4 प्लस एम टी 5 - 2 - 3 - 4 हाँ जी बताइए 5 + 5 - 3 - 2 - 3 - 4 + 4 - 5 - 5 - 10 - - 3 - 5 - 5 - 6 - 5 - 4 - 4 रिशु यस सर हाँ जी डंडे खाने हैं हाँ सर 4 - 4 - 8 देखो -2 - 3 - 6 है ना नो नो -5 क्या क्या आंसर एक्सक्यूज मी सर हाँ जी सर मुझे ट्रांसपोज वाला नहीं समझ में आया था मैट्रिक्स में किसको नहीं समझ आया सर मुझे आहाना को आहाना तू लेटी हुई है तेरे को खड़ा करने तो ऐसी हो जाएगी ना वैसी बेटा ट्रांसपोज का मतलब ये रो है ना जहां पे मैंने कट लगा दिया क्या एलिमेंट है 5 - 3 है ना हाँ ना तो नीचे ऐसे आ गया मतलब रो को ऐसे कर दिया ऐसे घुमा दिया इसको समझ गए एक मिनट बेटा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू वन थ्री ये मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज फाइंड करो क्या लिखूं मैं हाँ ना यस सर पहली रो क्या है सो वन वन टू थ्री ऐसे लिख देंगे फिर मतलब पहली रो पहला कॉलम बन गया ठीक है हाँ ना यस सेकंड रो क्या है सर फोर फाइव सिक्स ऐसे कॉलम बना देंगे उसको थर्ड रो क्या है टू वन थ्री हो जाएगा हो गया ये ट्रांसपोज समझाया यस सर ट्रांसपोज का मतलब रो कॉलम में चेंज कर दिया कॉलम ऑटोमेटिकली रो में हो गया देखो कॉलम था ये 142 हो गया ना ऑटोमेटिकली हो गया ना बच्चे Yes, sir. अब 8th सम का सेकंड पार्ट अपने आप ट्राई करोगे बेटा राइट द एडिटिव इनवर्स एक मिनट कौन किसकी टर्न अभी ऋषुराज हो गया रूहानियत यस सर एडिटिव इनवर्स क्या होता है सर साइन चेंज होते हैं तो ए ये दिया इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -6 - 5 वेरी गुड बस यही है इसमें क्या हो जाएगा 2 - 0 - 4 + 1 हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स 7 - 4 हो जाएगा अब ये 10th सम ए दिया है बी दिया है सी दिया है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग दो केसेस हैं चलो रूहानियत 10th का फर्स्ट पार्ट करने से पहले मैं जो मैट्रिक्स हमें दिए हैं वो लिख रहा हूँ बेटा 2 - 3 बी 0 - 2 एंड सी -1 - 4 एक्स प्लस बी सी -A ये दिया हुआ है
एक्स फाइंड करना है रूहानियत, एक्स को एक्स रखेंगे, बी के प्लेस पे बी, बोलो बच्चे, सी पे आएगा माइनस वन और फोर, और माइनस और ब्रैकेट में टू और माइनस थ्री, यस, एक्स प्लस जीरो टू ऐसे ही, यहाँ पे सर माइनस वन, माइनस वन, माइनस टू, और यहाँ पे सर फोर प्लस थ्री, वेरी गुड, एक्स प्लस जीरो टू, यहाँ से क्या आ गया माइनस थ्री और सेवन, बिल्कुल सही, एंड एक्स इज माइनस थ्री सेवन, और उधर जाके माइनस हो जाएगा जीरो और टू, अब एक्स इज माइनस माइनस प्लस माइनस थ्री और सेवन माइनस जीरो, सेवन माइनस टू, एक बार लिख दिया करो बच्चे, माइनस थ्री एंड फाइव, हो गया, समझ आया बच्चे, स्टेप बाय स्टेप करते रहो, अपने आप सामने सवाल हो जाता है, सेकंड वाला अपने आप ट्राई करोगे, ये भी सेम है बेटा, ए बी दिया है, एक्स फाइंड करना है, टेंथ इलेवेंथ सेम भी अपने आप करोगे, करोगे ना, यस यस हो जाएगा, हाँ जी, अब बताओ।